रखने वाले ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और दिमाग की बत्ती जलाने वाली हाईटेक मशीनरी, 24/7 बनते कपड़ों की थान, यहाँ वर्कर्स लगाते हैं जी जान, मशीनें जुटी हैं नॉनस्टॉप प्रोडक्ट्स बनाने में, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इंडियन मिट्टी और हाथों से, हमारी फैक्ट्रीज में सब कुछ बनता है, ये है द ग्रेट इंडियन फैक्ट्री। चाइना क्ले जैसी और भी दूसरी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। इसके बाद रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट से बॉल मिल में भेजते हैं, जहां इसे ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग के बाद रॉ मटेरियल में पानी मिलाकर स्लरी बनाते हैं, ताकि मिक्सचर में से स्टोन्स या दूसरे मेटल फिल्टर हो जाए। इसके बाद स्लरी की ड्राइंग होती है। इन हाइड्रो पंप्स के थ्रू पास करके रॉ मटेरियल से एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर निकाल लिया जाता है। ये है स्प्रे ड्रायर, जो स्लरी मटेरियल को ड्राई करके पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। मशीन में फिल्टर करने के बाद कन्वेयर बेल्ट पे आगे भेजते हैं, जिस पर लगी फिल्टर मशीन्स बड़े ग्रैन्यूल्स फिल्टर करती है। अब इस हाइड्रोलिक मशीन में पाउडर हाइड्रोलिक फोर्स से प्रेस किया जाता है और 60x60 सेंटीमीटर की टाइल्स बनाई जाती है। इसके बाद होती है बेकिंग। अब ये टाइल्स फर्नेस में जा रही है, जहां 90 से 210 डिग्री सेल्सियस पर बेक होकर टाइल्स का मॉइस्चर सूख जाता है और टाइल्स सेमी फर्म शेप ले लेती है। फिर एयर ब्लोअर से डर्ट हटाई जाती है। अब जब तक धूल नहीं हटाएंगे, टाइल्स कैसे चमकेंगी? आगे वाटर स्प्रे से टाइल्स को ठंडा ठंडा कूल कूल करते हैं, क्योंकि गर्म टाइल पर प्रिंटिंग नहीं होती। यहाँ टाइल्स को एनगोब लिक्विड मटेरियल के फाउंटेन में दो बार नहलाया जाता है। ये एक तरह का एडिसिव है। अगले स्टेप में टाइल पर होने वाली डिजाइनिंग इसकी वजह से ही चिपकती है। अब टाइल्स अपर लेयर डिजाइनिंग के लिए तैयार हैं, जिसे ग्लेज एप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ टाइल्स पर डिजाइन को डिजिटली प्रिंट किया जाता है। देखा, डिजिटल इंडिया कहाँ कहाँ काम आसान कर रहा है। इसी स्टेप के बाद सेम टू सेम दिखने वाली टाइल्स को अपनी एक अलग पर्सनालिटी मिल जाती है। इसके बाद टाइल्स फायरिंग प्रोसेस के लिए फिर से फर्नेस में भेजी जाती हैं। यहाँ टाइल्स 90 से 1224 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अलग अलग लेवल्स से गुजरती हैं। 1224 डिग्री सेल्सियस, वाओ गाइस, वोल्केनो से निकलने वाले लावा का टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये टाइल्स 1224 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी झेल लेती हैं। क्या बात है। इस बर्निंग प्रोसेस के बाद टाइल्स को ऐसे स्टैक करते हैं, जिससे इनकी मजबूती टेस्ट हो जाती है। वाह, स्टैकिंग की स्टैकिंग और टेस्टिंग की टेस्टिंग। स्टैकिंग के बाद टाइल्स की पॉलिशिंग की जाती है। उससे पहले एक स्क्वेयरिंग मशीन टाइल्स की एजेस को परफेक्ट करती है। यहाँ पानी से टाइल्स की अपर लेयर को कूल रखा जा रहा है, ताकि वो टूटे नहीं। फाइनली दो लेवल्स में पॉलिशिंग होती है, जिसके बाद टाइल्स को उसका एक्चुअल लग्जूरियस लुक मिल जाता है।
पॉलिशिंग के बाद शाइनी टाइल्स की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए रैंडम टेस्ट होते हैं। एक खास फॉर्मूले के साथ टाइल्स की थिकनेस और बाकी डायमेंशंस चेक किए जाते हैं। कोई टाइल्स क्वालिटी में खरी नहीं उतरती तो ये मशीन उस पर मार्क लगा देती है। अब क्वालिटी चेक में पास हुई टाइल्स पहुंचती है फाइनल पैकेजिंग के लिए। बनाया जाए तो करीब 5,000 एवरेज लेंथ की व्हीकल्स खड़ी हो सकती है। इंडिया में टाइल्स प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अलग अलग डिजाइन्स और पैटर्न्स के लिए ये टाइल्स किसी भी एवरेज लुकिंग रूम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरती दे सकती हैं। Thank you.